सो हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर। एंड अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट भी यहाँ बहुत अमेजिंग था इस प्रॉपर्टी जहाँ रुका हूँ मैं। आज जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने एक फ्यूजन डिश इन्वेंट करी है, उपमा, आई मीन उसमें बीट रूट डाल के बीट रूट उपमा जो है बनाया था उन्होंने, पिंक कलर का बना था डिश एंड अलॉन्ग विथ पूड़ी आलू। सो बहुत ही अमेजिंग खाना था। सो आज फर्स्ट डे है एंड मौसम भी पूरा लाइक रेनी हो रहा है यहाँ पर। तो आज मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जो है उदयपुर की सिटी पैलेस वहाँ जाने वाला हूँ, एंड उसके बाद में देखते हैं कितना टाइम बचता है और बारिश कहाँ ले जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करूँगा। वेदर इज़ सो नाइस एंड सिटी पैलेस जो है मेरे होटल से 1 किलोमीटर है, सो आई थॉट टू वॉक टिल सिटी पैलेस। एंड दोस्तों, सिटी पैलेस का जो एंट्री एरिया है वो बहुत ही कंजस्टेड है, मार्केट एरिया है, सो आई सजेस्ट कि अवॉइड टेकिंग योर 4-व्हीलर एंड यू कैन यूज़ सम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ऑटो, और आप लोग जो है कोई 2-व्हीलर भी हायर कर सकते हैं। फाइनली आई हैव एंटर्ड द सेकेंड बिगेस्ट पैलेस ऑफ इंडिया, सिटी पैलेस उदयपुर। ये जो पैलेस है इट वॉज कंप्लीटेड इन 400 ईयर्स। एंड ये पैलेस इतना बड़ा है कि अंदर आके आपको फील होता है कि आप खो गए हो कहीं। नो डाउट दैट दिस पैलेस वॉज नेवर कॉन्कर्ड बाय एनी एनिमी। पैलेस में एंट्री करने के बाद में जैसे आप मेन पैलेस में एंट्री करते हो तो बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता चलते हैं। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसको जो है हाथी के कपड़े पहनाते थे। अब रीज़न बीइंग कि अगर दुश्मन हाथी जब अटैक करता था तो उसको लगता था कि मेरा हाथी का बच्चा है ये, तो उस पर अटैक नहीं करता था वो, तो काफ़ी स्मार्ट मूव थी ये। एंड अगर किसी को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर जो है गाइड जरूर करो। गाइड आपको प्रॉपरली बता पाएगा कि पैलेस के जो हैं फैक्ट्स के बारे में। मैं सेकंड टाइम आया हूँ तो मैंने यहाँ पर गाइड जो है नहीं किया है, बाकी बहुत अमेजिंग है, अभी और घूमना बाकी है। View of Lake Pichola from the palace is just awesome. एक चीज और है कि यहाँ पर जो पैसेजेस हैं वो काफी नैरो है। उसका रीजन ये है कि दुश्मन अटैक कर रहा है, कोई सेना अटैक कर रही है, तो अगर वो पैलेस में एंट्री करते हैं तो एक एक करके आप उनको अंदर आना पड़ेगा, तो एक एक बंदे को एक एक जो है सिपाही को मैनेज करना जो है उसे हैंडल करना इजी रहेगा। सो बहुत टैक्टफुली जो है ये पैलेस जो है डिज़ाइन किया हुआ है। सो फाइनली पूरा सिटी पैलेस घूम लिया मैंने, एंड अभी यहाँ पर मैं लंच कर रहा हूँ सिटी पैलेस में ही। दे हैव स्टार्टेड, यहाँ दाल बाटी चूरमा जो है मिलता है, एंड दिस इज़ द थाली, जिसका जो प्राइस है ये है 150 रुपीज़ है। स्पाइसी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मिर्च वर्च कम है, नॉर्मल है एकदम अच्छा है। यहाँ पर जो लंच की टाइमिंग है सिटी पैलेस में दाल बाटी चूरमा के, ये 12 to 3 PM है। सो एक और चीज़ है कि ये जो 150 रुपीज़ में है ये लिमिटेड थाली है,
आपको दो पीस मिलेंगे इसके बाटी के, एंड लिमिटेड दाल मिलेगी। अगर एक्स्ट्रा लेना है तो ऑफ कोर्स वो चार्जेबल बेसिस पे अवेलेबल है। सो फाइनली लंच कर लिया है लेक पैलेस में, एंड अभी मैं जा रहा हूँ बोट राइड के लिए। दोस्तों जो बोट है ये आपको एक आइलैंड पर लेके जाती है, एंड इस आइलैंड का नाम है जग मंदिर। बट यहाँ कोई मंदिर या टेंपल नहीं है, ये एक जस्ट आइलैंड है ओन्ड बाय सिटी पैलेस। एंड बोट राइड के जो चार्जेस हैं वो है 500 रुपीस टू एंड फ्रो, अगर आप 3 बजे से पहले बोट राइड करते हैं तो। अगर आप 3 बजे के बाद करते हैं बोट राइड तो उसके चार्जेस हैं 800 रुपीस पर हेड। अभी चलते हैं देखते हैं 800 रुपए की बोट राइड जो है कितनी वर्थ इट है या नहीं है। अभी बोट आने वाली है, 10 मिनट का टाइम रह गया है। वेदर ऑलरेडी बहुत ऑसम हो चुका है, रेनिंग बारिश हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, ऑसम ही हो गया है, बहुत मजा आ रहा है। अब वेट करते हैं बोट की आती ही, निकलते हैं फिर और दिखाते हैं आपको बाकी और बढ़िया बढ़िया व्यूज नज़ारे। दोस्तों बोट राइड तो मैंने पहले भी करी है, बट ये जो बोट राइड थी दिस वॉज जस्ट अनफॉरगेटेबल। जो व्यूज थे, वेदर था और वाइब्स थी, जस्ट जस्ट डिवाइन। ऑसम वेदर को एंजॉय करते हुए एंड व्यूज के मजे लेते हुए फाइनली हम पहुंचने वाले हैं द आइलैंड जग मंदिर। सो वन थिंग आई मस्ट से कि ये जगह जो है बहुत पीसफुल है, बहुत ही शांति है यहाँ पर। एंड ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 1 घंटा हो गया है आए हुए। एक आपका यहाँ पर रेस्टोरेंट है, एक कैफे कम बार है और एक छोटा सा म्यूज़ियम है जो जहाँ पर आपकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। एंड मेरे पीछे जो है ये एक लॉन है, एक पार्क है, एंड यहाँ पर आपके वेडिंग फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, लेविश वेडिंग्स होती हैं आपकी। एंड कुछ रूम्स हैं रहने के लिए जो कि वेडिंग फंक्शन में ही लाइक रेंट आउट होते हैं। सो आफ्टर स्पेंडिंग अ वंडरफुल डे एट सिटी पैलेस एंड जग मंदिर, आई फाइनली स्टार्टेड माय रिटर्न जर्नी टू होटल। एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, this will keep me motivated for more such vlogs। कुल्हड़ वाली चाय बढ़िया, चाय सही है। सो फाइनली आई एम बैक टू होटल एंड इट वॉज सो अमेजिंग डे। पूरा दिन बारिश होती रही एंड बहुत मजा आया। बट जो बोट राइड थी जग मंदिर में, जो कि आइलैंड है पिचोला लेक में, वो बेस्ट पार्ट था आज के दिन का। ऑफकोर्स सिटी पैलेस जो था वो भी बहुत ही बढ़िया था। सो इट वॉज लाइक आज जो था सेकेंड डे था मेरे उदयपुर ट्रिप का, एंड कल होपफुली मैं जो है
दो चार जगह और एक्सप्लोर करूँगा उदयपुर में एंड उदयपुर के आसपास जो है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, कीप एंजॉयिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।